स्टेशन पर यात्रियों के बैग उठाया करते थे श्रीनाथ, जाने कोली से आईएएस बनने तक का सफर। तो इनकी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। श्रीनाथ मुन्नार के मूल निवासी हैं, जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए एर्नाकुलम में कुली के रूप में काम किया। अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले श्रीनाथ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बैग और सामान ले जाने के अपने काम के प्रति बेहद समर्पित थे। पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण कुली की नौकरी जारी रखी। बहुत सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों वाले एक युवा पिता अपनी एक साल की बेटी के भविष्य के खर्चों के लिए अपनी मासिक आय को बढ़ाने की सख्त जरूरत को समझा। आवश्यक फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद श्रीनाथ अपनी नौकरी के लिए कड़ी मेहनत के साथ एक अधिकृत कुली बन गए। हालांकि उन्होंने और अधिक हासिल करने का सपना देखा, लेकिन उन्होंने 5 साल तक अपनी नौकरी जारी रखी। 2018 में जब तक वो 27 वर्ष के नहीं हुए, तब तक उन्होंने कड़ी मेहनत करने का फैसला किया, ताकि उनकी कम आय के कारण उनकी बेटी के भविष्य से समझौता ना हो। इसीलिए उन्होंने प्रतिदिन 400 से 500 रुपए कमाने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। जल्दी उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के बारे में सोचा, लेकिन आर्थिक तंगी ने उन्हें अध्ययन सामग्री खरीदने या ट्यूमर से सीखने की अनुमति नहीं दी। उन परिस्थितियों में उनका स्मार्टफोन उनका आदर्श मित्र बन गया। फ्री वाईफाई से स्मार्टफोन पर ही एग्जाम की तैयारी जनवरी 2016 में की। सरकार ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई सेवा की पेशकश की। ये श्रीनाथ की सफलता की कुंजी थी, जिसने उन्हें CSE परीक्षा को क्रैक करने में मदद की। आशावादी मानसिकता और समर्पित भावना के साथ श्रीनाथ ने रेलवे स्टेशन पर काम करते हुए ऑनलाइन लेक्चर सुनना शुरू किया। उन्होंने अध्ययन सामग्री खरीदने पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया और बड़े सपने देखने के लिए केवल एक स्मार्टफोन, एक मेमोरी कार्ड और एक जोड़ी ईयरफोन और मुफ्त वाईफाई की जरूरत थी। तैयारी करके भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक में सफलता प्राप्त की और उनकी कड़ी मेहनत ने उन्हें केरल लोक सेवा आयोग KPSC की लिखित परीक्षा पास करने के लिए प्रेरित किया। ये युवा कुली ना सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे गांव का भविष्य सुधारना चाहता था। वो सरकार के भू राजस्व विभाग के तहत एक ग्राम क्षेत्र सहायक के रूप में काम करना चाहता था। भारत के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक को पास करने के लिए श्रीनाथ ने 4 प्रयास किए और खुद पर विश्वास करना जारी रखा। कुली के रूप में काम करना जारी रखा क्योंकि वो अपने परिवार के लिए आजीविका का एकमात्र स्रोत थे। आज IAS श्रीनाथ उन लाखों छात्रों के लिए एक जीवंत प्रेरणा है जो कुछ असफल प्रयासों के बाद निराश महसूस करते हैं, जो संसाधनों की कमी के कारण अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते और जो पारिवारिक जिम्मेदारियों और अपने स्वयं के सपनों के बीच फंसे हुए हैं। वो इस कहावत का एक जीवंत उदाहरण है, सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, ये जारी रखने का साहस है जो मायने रखता है। तो इनके इस संघर्ष के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा